क्या आप सभी तक आवाज जा रही है? हाँ ठीक है ठीक हम लोगों ने एसक्यूएल में अल्टर कमांड और अपडेट कमांड पढ़ा था। हम उसी अल्टर कमांड को दोबारा बता रहे हैं। उसमें थ्री फंक्शन होते हैं और उन थ्री फंक्शंस में दो फंक्शन हम आपको बता चुके हैं। फंक्शन नहीं, मेथड है वो, और एक चेंज कीवर्ड है, उनको बताना है। मींस कहने का मैं अल्टर टेबल कमांड फिर से बता रहा हूं, आप एक बार उसे देख लीजिए। हमने एक टेबल बनाई, सपोज दैट हमने एक टेबल बनाई है ऑलरेडी और हम डेटाबेस को यूज कर रहे हैं। बस हम यहां पर अब एक कमांड चला रहे हैं शो टेबल्स का, जिससे टेबल्स शो हो जाएंगी। ये टेबल्स हमारी शो हो रही हैं और हम इसमें जो पर्टिकुलर टेबल है कोई भी एक ले लेते हैं, कोई भी। इसमें लिए H1 एक टेबल है, उसको ओपन करके देखते हैं कि उसमें है क्या। ये डेटा है नेम और सैलरी, H1 टेबल में है। हम इसी पर अपना प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो हम चाहते हैं कि अब उसमें जो है अल्टर टेबल में थ्री पर्टिकुलर कीवर्ड हम यूज करते हैं। पहला है ऐड, दूसरा है मॉडिफाई, तीसरा है चेंज। इन्हीं तीन पर हमारा डिस्कशन होगा कि चेंज ऐड मेथड से क्या होता है, ऐड कीवर्ड से क्या होता है, मॉडिफाई से क्या होता है और चेंज से क्या होता है। उसी के बारे में हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। सबसे पहले हम देखते हैं ऐड कीवर्ड। तो हमने यहां पर एक कमांड दिया, अल्टर टेबल H1, वी वांट टू ऐड अ न्यू कॉलम एड्रेस। ठीक है, तो हमने यहां पे कहा अल्टर टेबल H1 ऐड एक एड्रेस फील्ड ऐड कर दे जिसका टाइप है कैरेक्टर और उसका साइज है 12 कैरेक्टर का। ऐसा हम करेंगे तो एक एड्रेस फील्ड ऐड हो जाएगी। आपको देखना है तो आप देख सकते हैं, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम H1। तो आप देखेंगे एड्रेस फील्ड ऐड हो गई है, बट इसमें कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे नल लिख के आ रहा है। तो ऐसे में हम यहाँ पर वैल्यू देंगे तो फिर हमें अपडेट कमांड देना होगा, या हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं। अगर हम डायरेक्ट देना चाहते हैं तो डायरेक्ट देने के लिए हमको लिखना पड़ेगा, आप लोग जानते हैं ये हम आपको बता चुके हैं, इंसर्ट इनटू H1 किस फील्ड में देना चाहते हैं, एड्रेस फील्ड में क्या देना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं, और वैल्यू क्या देना चाहते हैं, वैल्यू देना चाहते हैं मान लीजिए LKO, ये लखनऊ के हैं वैसे, ये वैल्यू देना चाहते हैं हम। एड्रेस वैल्यूज LKO फील्ड नेम डज नॉट हैव डिफॉल्ट वैल्यू। अच्छा, एक्चुअली हुआ क्या होगा कि नेम और सैलरी में कंस्टेंट लगा होगा, देख लेते हैं। यस यस, देखिए नेम में जो है कंस्टेंट लगा है,
नल कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की भी लगा है, इसीलिए ये प्रॉब्लम कर रहा है, अदरवाइज ये हो जाता है। ऐसा करते हैं, नई टेबल बना लेते हैं, क्रिएट टेबल नेम कैर ये करेक्टर का सैलरी इंटीजर, ये टेबल, टेबल का नाम नहीं दिया हमने, सपोज दैट स्वप्निल नाम दे रहे हैं, ये पर्टिकुलर टेबल क्रिएट हो गई है स्वप्निल नाम से, और इसमें हम एक टेबल है वो फील्ड ऐड करना चाहते हैं एड्रेस की, तो हम लिखेंगे अल्टर टेबल स्वप्निल एड एड्रेस, जो कि कैरेक्टर टाइप का है, 9 कैरेक्टर का एड्रेस ऐड करना चाहते हैं। इसमें एक ब्रैकेट और लगेगा, वो हमने लगाया नहीं था लास्ट में, क्लोज नहीं किया था, तो ये पर्टिकुलर ऐड हो गया है। अब आप देखेंगे DESC से स्वप्निल, तो इसमें एड्रेस फील्ड एक ऐड हो गई है, उसमें कोई डेटा नहीं है। अब इमेजिन हमने, अब हम डायरेक्ट डेटा दे सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर हम डेटा दे दिए होते पहले और बाद में ऐड करते तो हमें एक में ऐड करना पड़ता। सपोज दैट हम सिर्फ नेम और सैलरी में डेटा ऐड कर रहे हैं, एड्रेस में बाद में ऐड करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे देखिएगा। इंसर्ट इनटू टेबल का नाम स्वप्निल, किसमें किसमें ऐड करना चाहते हैं, नेम में और सैलरी में, क्या ऐड करना चाहते हैं वैल्यूज, नेम में सपोज दैट मोहन, सैलरी में 6000। ये क्यूरी हो गई है, इसको आप रन करा के देख सकते हैं। सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम स्वप्निल, फ्रॉम की स्पेलिंग गलत है, ये देखिए टेबल दिख रही है जिसमें एड्रेस में नल आ रहा है। देखिए क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने एड्रेस में कोई वैल्यू दी ही नहीं, तो हम अलग से एड्रेस में वैल्यू देना चाहते हैं, तो हम डायरेक्टली दे सकते हैं इंसर्ट इनटू स्वप्निल एड्रेस में वैल्यू क्या हो, हमने कहा LKO हो, इंटर। तो देखिए एड्रेस में हमने LKO इंटर कर दिया। अब हम सेलेक्ट कमांड चलाते हैं तो आप देखेंगे एड्रेस में LKO ऐड हो गया, लेकिन ये सेकेंड रो पे ऐड हुआ है, मतलब एक सेकेंड रो बनी है, सेकेंड रिकॉर्ड बना है और उसमें ऐड हुआ है। अब आप चाहते हो कि जहां पे मोहन नेम है वहां पर ऐड हो एड्रेस, तो ऐसे में इंसर्ट इनटू कमांड से नहीं पॉसिबल है, फिर आपको अपडेट कमांड चलाना होगा। आपने देखा था कल कैसे यूज करते हैं, तो हम अपडेट कमांड भी यहाँ साथ में यूज कर रहे हैं, आप इसको देखिएगा। हमने कहा अपडेट टेबल का नाम स्वप्निल सेट, सेट एक कीवर्ड होता है जो कल बताया था आपको कि अपडेट में यूज होता है। अपडेट स्वप्निल सेट एड्रेस इक्वल्स टू, मान लीजिए पुआया, वेयर, वेयर क्लास लगेगा यहां पर, वेयर नेम इक्वल्स टू मोहन, डबल कोट्स में देना है इसको, सेमीकोलन, इंटर करेंगे तो ये क्यूरी ओके हो गई, मींस अपडेट हो गया होगा। आप सेलेक्ट कमांड चला के देख सकते हैं मोहन के पास एड्रेस में कुआया हो गया है। बताइए क्लियर है सभी को इतना?
अच्छी बात है। ओके बताइए, स्पीच मेंट का एक्सपीरियंस कैसा लग रहा है आपको? हम पहली बारी इसे यूज कर रहे हैं आपके साथ, कैसा लग रहा है? इंसर्ट में वेयर का यूज ऐसे नॉर्मली तो नहीं कर सकते हैं, एक बार चेक कर लेंगे क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। अच्छा, साउंड का कैसा इशू होता है, मींस क्या क्लियर नहीं आ रही आवाज क्या? नहीं, अभी अभी जो हम बात कर रहे हैं तो क्या क्लियर आ रही है आवाज? ठीक है, एक बार प्रयास करते हैं। स्वप्निल का जो क्यूरी है उसको कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं अगर ये चलना होगा। पहले कभी किया नहीं है, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। आई होप इंसर्ट में चलेगा नहीं चलेगा, एक बार ट्राई करके देख लेते हैं, सामने सामने हो जाएगा। इंसर्ट इनटू, मेरे हिसाब से हो सकता है एरर आए यहाँ पर। इंसर्ट इनटू स्वप्निल, ये डायरेक्ट चलेगा नहीं, नहीं चलेगा, वेयर लगा के नहीं चलेगा। इंसर्ट, देखिए देखिए होता क्या है कि हम जब वैल्यूज देते हैं तो आपको डायरेक्ट सब वैल्यू देनी पड़ेगी, है ना? और जब हम यहाँ दे ही रहे हैं, है ना, सपोज दैट हमने कहा कि नेम और सैलरी में ऐड करें, तो नेम और सैलरी में आप कंडीशन कहाँ लगाएंगे फिर? जैसे नेम नल है, सैलरी नल है, ऊपर देखिएगा टेबल में नेम और सैलरी नल है, इसमें कंडीशन कहाँ लगाएंगे कि जहां पे नेम हो? क्योंकि तो आप नेम और सैलरी यहाँ ब्रैकेट में दोगे, आप पैसे देना चाहते हैं, नेम कॉमा सैलरी, सॉरी नेम कॉमा सैलरी और वैल्यूज मैं लिख रहा हूं, आपकी जो क्यूरी है उसी को लिख रहा हूं। वैल्यूज इक्वल्स टू सपोज दैट राम एंड सैलरी इक्वल टू 7000 आपके सामने, आप यही कह रहे हो ना? वेयर हमने कंडीशन लगा दी एड्रेस की, फिर एड्रेस इक्वल टू पुआया, ये देखिए एरर आ जाएगी, क्योंकि ऐसा कुछ वेयर क्लास में, सॉरी इंसर्ट कमांड के साथ ऐसा कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि जो क्यूरी होती है वो सेलेक्ट स्टेटमेंट से आप करते हैं, है ना? तो सेलेक्ट स्टेटमेंट से आप क्यूरी कर रहे हो तो वहां पे तो वेयर का लग जाता है, लेकिन डेटा इंसर्ट करने के लिए आप डेटा डायरेक्टली इंसर्ट कर रहे हैं। अगर इसी से हो जाता है इस तरीके से, तो फिर अपडेट कमांड की जरूरत ही नहीं होती, फिर अपडेट कमांड बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अपडेट कमांड इसीलिए बनाया गया क्योंकि इंसर्ट इनटू कमांड से आप इस तरह से वेयर कंडीशन लगा के नहीं कर सकते हैं। क्लियर है बेटा? इसलिए मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया, दिखा भी दिया करके कि यहाँ पे एरर आएगी। ठीक है, तो इमेजिन ओनली कि हम यही काम करना चाहते हैं कि जहां पर LKO एड्रेस है वहां पे मोहन, सॉरी वहां नेम और सैलरी में कुछ डेटा हो जाए, जहां पे नल नल आ रहा है ना, आप देख रहे होंगे टेबल में कि नल नल आ रहा है नेम के नीचे और सैलरी के नीचे। तो हमारी कंडीशन ये है कि हम चाहते हैं कि जहां पे एड्रेस LKO है वहां पर नेम और सैलरी में कुछ डेटा आ जाए। तो ऐसा करने के लिए आप अपडेट कमांड ही चलाएंगे, ऐसे लिखेंगे अपडेट स्वप्निल, टेबल का नाम है ये, अपडेट स्वप्निल सेट नेम इक्वल टू सपोज एट राम कॉमा सैलरी इक्वल टू 7000 वेयर
एड्रेस इक्वल्स टू LKO, एंटर करेंगे तो देखिए लिख के आ रहा है क्यूरी ओके, मतलब ऐसा संभव है, ऐसा पॉसिबल है। अब आप सेलेक्ट कमांड चलाएंगे तो देखिए जहां पर LKO था वहां पर राम और 7000 ऐड हो गया है। तो इस तरीके से आप विदाउट इंसर्ट कमांड अपडेट कमांड से किसी भी पर्टिकुलर डेटा जो फील्ड हमारी है उसमें रिकॉर्ड को अपेंड कर सकते हैं। आफ्टर क्रिएटिंग द रो, अगर वो ब्लैंक है तो आप उसमें इस तरह से रिकॉर्ड को अपेंड करते हैं बाद में। बताइए ये बात क्लियर हो रही है सभी को? अगर एड्रेस नल होता तो नल लिखने पे करना चाहिए। एक एक पर्टिकुलर डेटा ले लेते हैं, देख लेते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसी होनी चाहिए जो ट्रू हो, है ना। तो ऐसे में क्या होगा कि नल ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट ऐसी कंडीशंस ना करें तो ज्यादा बेटर होगा। इसको भी आप आपकी जो क्यूरी है उसको भी यहाँ पे करके दिखा देते हैं। देखिएगा जैसे हमने एक कमांड चलाया इंसर्ट इनटू स्वप्निल, मैंने नेम में डेटा दे दिया, नेम कॉमा सैलरी में डेटा दे दिया, वैल्यूज हमने यहां दिया इमेजिन कोमल सैलरी 7800 दिया, तो डेटा इंसर्ट हो गया। देखिए अब आप देखोगे अगर सेलेक्ट स्टेटमेंट तो आप देखेंगे एड्रेस नल है, तो यहां पर अपडेट कमांड कुछ इस तरह से चलाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए अपडेट स्वप्निल सेट एड्रेस इक्वल्स टू सपोज एट SPN वेयर एड्रेस इक्वल्स टू नल। देखिए क्यूरी ओके है, आप ऐसे करेंगे तो यहां पर जो नल है वो नल ही लिख के आ रहा है, इसको लेगा नहीं इस तरीके से। आप देखिए वेयर एड्रेस इक्वल्स टू नल लिख के आ रहा है, एक बार इसको डबल कोट्स हटा के भी देख सकते हैं, नहीं सिर्फ नल लिखने से ये अप्लाई नहीं होगा। मीन्स आप डायरेक्टली सिर्फ कोई नेम वगैरह टारगेट कर लीजिए, आप ऐसे कर लीजिए ना, आप ऐसे कर लीजिए अपडेट स्वप्निल सेट एड्रेस इक्वल्स टू SPN वेयर नेम इक्वल्स टू कोई भी नाम दे सकते हैं, जैसे मान लिया कोमल है, देखिए क्यूरी ओके हो गया, अब यहाँ पे SPN ऐड हो जाएगा। आप इस तरीके से कर लीजिए, रवि क्लियर है? ठीक है, तो हम बता रहे थे अल्टर कमांड जिसमें हमने ऐड ऐड कीवर्ड का यूज करके हम लोगों ने कॉलम ऐड किया और उसके ऊपर हम कुछ अपडेट कमांड पर डिस्कस किए आपसे। बताइए
एक सेकंड, आपका क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। मीन्स कहने का आपका कि दो ही फील्ड हो और हमें नेम को अपडेट करना है और एड्रेस में नल है, यही तो कह रहे हैं आप। नेम को अपडेट करना है, एड्रेस नल है। एक्चुअली हमने वहां पे एड्रेस चलाया था, एक सेकेंड एक सेकेंड, इंसर्ट करा के एक 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 रिकॉर्ड इंसर्ट कराते हैं, देखते हैं। हम नेम में डेटा दे रहे हैं, सिर्फ नेम में, और नेम है पीपीपी। ये हो गया, आप देखेंगे इसमें है, आपकी क्यूरी जो है उसी पर वर्क कर रहा है। पीपीपी नेम है और सैलरी एड्रेस में नल है, हमें पीपी की जगह कोई नाम दूसरा चाहिए, आपकी क्यूरी ये है। अपडेट स्वप्निल सेट नेम इक्वल्स टू, मान लीजिए रवि, वेयर सैलरी इक्वल्स टू नल। ये जीरो सेक्टर है, ये मैच होगा नहीं, इसे लेगा नहीं है। सैलरी इक्वल्स टू, सैलरी लगा दीजिए या एड्रेस लिख दीजिए, ये इसको लेगा नहीं, एक सेकेंड। क्यूरी तो ओके हो रहा है, लेकिन देखिए रो रिकॉर्ड मैच जीरो कर रहा है, ये आप प्रिंट कराओगे तो ये प्रिंट होगा नहीं, नहीं रहेगा। देखिए इसके इसका एक दूसरा भी है, इस पर एक बार देख लेंगे कि कैसे क्या हो सकता है, आपको बताएंगे। फिलहाल डायरेक्ट तो मेथड ये नहीं चलेगा, इसका दूसरा तरीका है, देखिए क्या है। डिलीट फ्रॉम, एक डिलीट कमांड होता है, उसको यहाँ पे चला के हम ये पूरी रो डिलीट कर देंगे, फिर दूसरा रिकॉर्ड अपेंड कर देंगे। नल की कंडीशन में क्या होगा ये हम डिस्कस करेंगे, अगर कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में ये वर्क आपको करा के दिखा रहे हैं कि रो पूरी डिलीट करके दूसरा रिकॉर्ड इम्प्लीमेंट कर देंगे। या फिर ऐसा हो सकता है, ट्राई कर सकते हैं, अपडेट स्वप्निल सेट सैलरी इक्वल्स टू 4000 एड्रेस इक्वल्स टू जलालाबाद, इमेजिन ओनली, मैंने इतना ही लिखा है। वेयर नेम इक्वल्स टू पीपीपी, ये देखिए हो गया है, जहां पे नेम पीपी था वहां पे हमने 4000 कर दिया और जलालाबाद कर दिया। अब क्या करेंगे, अब अगर पीपी को चेंज करना है तो हम इसको अपडेट कमांड से कुछ इस तरह कर देंगे, अपडेट स्वप्निल सेट नेम इक्वल्स टू रवि वेयर
एड्रेस इक्वल्स टू जलालाबाद। अब ये देखिए सही हो, बताइए। क्या हुआ बेटा, रवि क्या पूछ रहे हैं? मतलब जो काम आपका था वो हो गया ना, जो आप करना चाहते थे वो तो हो गया। देखिए लैंग्वेज है, कोई भी चीज अगर उस तरीके से नहीं हो रही है तो आप दूसरे तरीके से उसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आप इसको दूसरा मेथड यूज कर सकते थे, डिलीट करके दोबारा रिकॉर्ड अपेंड कर देते, लेकिन ये जरूरी नहीं था डिलीट करना। तो अपडेट कमांड से हमने सेकंड मेथड यूज करके दिखा दिया आपको, ठीक है। मैं उसे भी ट्राई करूंगा, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो आपको बताएंगे, लेकिन इस मेथड से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। अभी ठीक है, देखेंगे। और किसी को कोई प्रॉब्लम है? इतना सबको क्लियर हो गया? और कोई डाउट है किसी को बताइए, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। क्लास ठीक लग रही है ना? कोई ऐसा तो नहीं लग रहा कि कुछ बोरिंग हो रहा हो या ना समझ में आ रहा हो? बताइएगा। ठीक है, ओके, ठीक है। हमने अभी आइटर कमांड में ऐड को देखा, उसमें हमने कॉलम ऐड किया। कॉलम ऐड करने के बाद फिर अपडेट कमांड पर बात होने लगी कि अपडेट कमांड को किस तरह से यूज करेंगे। तो अपडेट कमांड में देखिए बहुत सारे मेथड्स हमने यूज किए, और आपको शायद समझ में भी आया होगा, आप उसे एक बार देख लीजिएगा। और क्योंकि ये रिकॉर्डिंग है और बाद में भी आप इसमें जाएंगे जब, तो रिकॉर्डिंग वहां पे रहेगी, आप उसे बाद में भी देख सकते हैं। 24 घंटे में रिकॉर्डिंग आ जाएगी आपके पास, तो इस आईडी पर अवेलेबल रहेगी, आप वहां पे जाकर देख पाओगे। यहाँ पे हम दूसरा बता रहे हैं, मॉडिफाई कीवर्ड। अभी ऐड कीवर्ड बताया था अल्टर टेबल के साथ, आप मॉडिफाई कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। जैसे हमने अब डीईएससी, देखो डीईएससी स्वप्निल, डीईएससी का मतलब होता है डिस्क्राइब। तो आप देखेंगे नेम की जो साइज है वो 8 करेक्टर है, आप 8 करेक्टर से ज्यादा नहीं लिख पाएंगे नेम में। सपोज दैट यू वांट टू एंटर द नेम मैक्सिमम मींस मिनिमम 10 करेक्टर, तो आपको द साइज कैन बी चेंज, मींस आपको यू मस्ट हैव द चेंज द साइज ऑफ द टाइप, क्या टाइप। तो आपने 8 करेक्टर का दिया है, वी वांट टू स्टोर 10 करेक्टर, एट दैट टाइम यू हैव टू चेंज द साइज ऑफ द टाइप, मींस करेक्टर टाइप का साइज चेंज करना चाहते हैं, तो साइज चेंज करने के लिए मॉडिफाई का यूज होगा। कैसे करेंगे देखिएगा, हमने यहां लिखा अल्टर टेबल, ये पहले जब हमने किया था तो ये रन नहीं हुआ था, उसमें गलती थी, तो ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, रन हो जाएगा। ये देखिएगा अल्टर टेबल स्वप्निल मॉडिफाई नेम को कैर टाइप का है, और 10 करेक्टर इसमें हो सकते हैं। देखिए यहां पर ये एरर दे रहा है, इस ब्रैकेट को सॉरी जो ब्रैकेट है ये ब्रैकेट मॉडिफाई वाला हटा दो, सिर्फ इतना लिखो मॉडिफाई नेम कैर 10,
ये देखिए रन हो जाएगा। अब अगर आप DESC चलाते हैं, DESC स्वप्निल, तो आप देखेंगे नेम का ऊपर देखिए साइज था करेक्टर में 8 बाइट, आप देखिए नीचे टेबल में लिख के आ रहा है 10 बाइट, तो मॉडिफाई हो गया। देखिए ऊपर वाली टेबल में देखिए DESC चलाया है तो नेम करेक्टर टाइप का है, इसमें 8 है और नीचे जो है देखिए नेम का करेक्टर टाइप 10 है। बताइए क्लियर हो गया कैसे करेंगे मॉडिफाई? ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, सीधे से लिखेंगे अल्टर टेबल स्वप्निल मॉडिफाई नेम करेक्टर उसका साइज। बताइए डाउट है कोई? बोले बेटा कोई डाउट है? फोर बेटा फील्ड 3 है बट रिकॉर्ड तो 4 है, फील्ड तो 3 ही है, नेम सैलरी एड्रेस है लेकिन रिकॉर्ड बेटा मोहन राम कोमल रवि का ऊपर टेबल देखो जी। ये हम डिस्क्राइब मतलब DSC चलाए ना, फील्ड का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये टेबल नहीं है, ये फील्ड का स्ट्रक्चर है। DSC का मतलब था डिस्क्राइब, ठीक है? ठीक है बेटा, हम लोगों ने डिस्कस किया यहाँ पर। अरे कोई बात नहीं, सॉरी बोलने क्या जरूरत है, सॉरी बोलने को मतलब है नहीं। इस पर एक कमांड और है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो अभी 1 बज गया है, दूसरी क्लास आपकी होगी अभी थोड़ी देर में, तो आज के लिए इतना ही रखें, फिर कल बता देंगे आपको। बताइए कोई डाउट, कोई बात पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, एक पर्टिकुलर, चलिए ठीक है कल बता के फिर एक टेबल बना के देंगे, उस पर आप वर्क करिएगा, कल बताएंगे आपको, उस पर आप वर्क करिएगा तो आपका वर्क हो जाएगा। ठीक है बेटा, आज के इतने रखते हैं, कल मिलते हैं, कल सेम टाइम पे इसी टीच ऐप टीचमेंट पे मिलेंगे आप लोगों से। ठीक बेटा, गुड डे बेटा, गुड डे सभी को।